तो आप सभी आई थिंक सभी से भी बढ़िया मस्त और जबरदस्त हो गए। बेसिकली इंजीनियरिंग का फॉर्म फिलिंग आपका स्टार्ट होने वाला है, और इस बार आपका लास्ट टाइम के मतलब जैसे लास्ट टाइम हुआ था फॉर्म फिलिंग, इस बार भी होगा, बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। डिफरेंट क्या है कि लास्ट टाइम के कंपेरिजन पे इस बार सबके एडमिट कार्ड आने वाले हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे आप सभी के साथ में शेयर करनी है। सो डेफिनेटली वीडियो पे बने रहिएगा, और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं अभी बता दूंगा, तो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। कोई भी आपकी जानकारी में आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। डेफिनेटली आपका जो डाउट आ रहा हो कमेंट सेक्शन में आंसर कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन नेवी डबल ए SSR, डबल ए का नहीं, डबल ए अभी बोलेंगे नहीं क्योंकि वो बन चुका है। डबल ए जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, इंडियन नेवी पे एक रिक्रूटमेंट आता था आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का, ठीक है, लेकिन अभी वो हटा दिया गया। अब सीधा आपका रिक्रूटमेंट आता है डायरेक्ट। ये देखो इंडियन नेवी का वेबसाइट आज कुछ ज़्यादा ही अच्छे से वर्क कर रहा है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। सो डोंट वरी डोंट वरी, चलो इसे हटाते हैं। हम सीधा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आप सभी के साथ में शेयर कर देते हैं। उससे पहले आप सभी को एक बात और भी बता देते हैं। देखो आप सभी ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, बेहतर है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट या कुछ भी समस्या आ रही हो तो बता दीजिएगा। अपना भी एक एग्जाम है जल्दी, उसे कंप्लीट करके इसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करा देंगे। सो डोंट वरी उसके बारे में, ठीक है। अब इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए मैं पहले ही बता देता हूँ, जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो फिर से शेयर कर देंगे। और यहाँ पे फॉर्म फीस का कुछ एक अलग ही सिस्टम है इस बार, तो अगर आप फिल करना चाहते हो, देखो दोनों का फॉर्म फीस अलग अलग है। अपने अभी डबल ए का फॉर्म फिल करोगे तो उसके लिए अलग से फीस आपकी लगने वाली है, और मतलब डबल ए का बोल रहा हूँ SSR की फीस आपकी अलग से लगेगी, MR की फीस आपकी अलग से लगेगी। पोस्टें भी इस बार कम कर दी गई हैं। एलिजिबल कैंडिडेट जरूर इस फॉर्म को फिल करें अगर एलिजिबल है, क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट इस बार फॉर्म फिल नहीं करेंगे। जो फेक एक फॉर्म फिलिंग होता था ना, मैं बोल रहा हूँ ज्यादा ज्यादा देखना 2 लाख, 2 से 3 लाख, मैक्सिमम बहुत ज्यादा 3 लाख, मुझे 3 लाख इस बार नहीं लग रहा है, आप बता दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक डाउट आप सभी का और आ रहा हो तो मैं बता देता हूँ। एक चीज मैंने देखी थी अमेजोन पे, मॉक टेस्ट अगर किसी को लगाने हो तो अवेलेबल करा दिए गए हैं, मतलब ऑफलाइन है 40 मॉक टेस्ट। इनका प्राइस ज्यादा नहीं है, तो मैंने कहा चलो बता देते हैं ये भी। तो जैसे MR के लिए 40 मॉक टेस्ट है, देखो भारतीय नौसेना अग्निवीर MR जो मैट्रिक ऑनलाइन परीक्षा 40 प्रैक्टिस सेट्स से, हैं। उसके बाद और भी हैं क्या, भारतीय नौसेना अग्निवीर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल है, 40 मॉडल पेपर है, मतलब 40 प्रैक्टिस टेस्ट है। अगर अभी से आप लगाना स्टार्ट करोगे ना, तब जाकर एग्जाम तक लगा पाओगे आपको, जब फरवरी जनवरी में जब भी एग्जाम होता है। मैं आपको एग्जाम डेट भी बता दूंगा जल्दी, उसके बारे में भी टेंशन मत लीजिएगा। तो और भी अवेलेबल है, मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ यहाँ पे। इनके देखो लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड कर देने हैं। इनका प्राइस देख लो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, एग्जाम कार्ड अग्निवीर इंडियन नेवी मैट्रिक रिक्रूट, इनका प्राइस केवल 102 रुपीज है। इसका प्राइस SSR वाले का 125 कितना 188 रुपए है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, डेफिनेटली आप सभी के लिए हेल्पफुल होंगे। यहाँ पे हर एक एग्जाम के लिए अवेलेबल है, एयरफोर्स के लिए भी अवेलेबल है, हर एक एग्जाम के लिए अवेलेबल है। तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे आके वहाँ लगा सकते हो, ठीक है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टॉपिक पे आते हैं और चीजों को अच्छे से डिस्कस करते हैं, तो थोड़ा सा रुकिएगा इसे क्लियर कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो फॉर्म फिलिंग आपका स्टार्ट है, फॉर्म पहले 1 से 2-3 दिन में ही फिल कर देना, इसमें ज्यादा टाइमिंग कुछ नहीं होता कि बहुत दिनों तक इसका फॉर्म चलता है, ज्यादा इस बार टाइमिंग भी नहीं है। और जिनका एज है वही इस कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करने की कोशिश करें। एज देख सकते हो 1 मई 2002 से लेकर 31 अक्टूबर 2005 तक है। एजुकेशन 10+2 और पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। 1400 पोस्टें होने वाली है, 203 पोस्टें यहाँ पे फीमेल के लिए भी रिजर्व रखी गई है। पेपर को लेकर अगर आपका कोई भी डाउट हो, पेपर आपका 0.25 का निगेटिव मार्किंग होता है। फेस सेकंड एग्जाम की भी कोई भी टेंशन ना लो, उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। एक टेस्ट आपका जो होने वाला है फेस सेकंड एग्जाम पे, उसको लेके भी कैंडिडेट बहुत डरे हुए हैं कि भैया ये क्या होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा इंडियन कोस्ट गार्ड पे भी लिख के आया था। इसके बारे में एक भी टेंशन मत लो इस वाले एग्जाम के बारे में। अगर एग्जाम होता भी है ना, तो अगर आप फेस फर्स्ट क्लियर करके जाओगे इसे इजिली क्लियर कर लोगे। वो बस एक फॉर्मेलिटी टेस्ट होगा, लाइक आप खुद ही करके आए हो, जुगाड़ वाले तो नहीं, ऐसा करके इंडियन नेवी को टेस्ट ले लेगा। बाकी ऐसा इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन में दिया था कि वो ऐसा कराएंगे, बाद में उन्होंने वो नोटिफिकेशन हटा दिया था, मतलब वो नोटिस ही हटा दिया था। खैर अभी तक इंडियन नेवी का ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, टेंशन मत लो, आप पेपर पे फोकस करिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, इसके बारे में भी कोई टेंशन मत लो अभी, और मेरिट लिस्ट के बारे में भी कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पे फाइनल मेरिट भी हटा देते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाती है, फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। देखो फॉर्म फिलिंग आपका 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और 17 दिसंबर तक चलने वाला है। सबसे पहले आपको क्या है, जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपकी फोटो लगेगी, उसका यहाँ पे साइज बताया गया है 10 KB to 50 KB, राइट होना चाहिए। ज्यादा इसमें फॉर्म फिलिंग करने में कोई ज्यादा मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं आती, सिंपल छोटा सा होता है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं,
टेन एंड ट्वेल्थ का मार्कशीट है वो अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप साथ में रखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है ये बात के लिए बता रखे गए हैं, तो इनके बारे में भी इतना जरूरी कुछ रखा नहीं गया है। आगे और भी कुछ अगर आपका कॉमन से डाउट बन रहा हो तो मैं बता देता हूँ, एक बार रुको मैं इसे कर देता हूँ। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के बारे में सबको पता होगा कि 100 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। ईच कैरिंग 1 मार्क का पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश में पेपर होता है, बोथ लैंग्वेज में, और 4 सेक्शन होते हैं। अब पेपर आपका ऑनलाइन होगा, पहले ऑफलाइन होता था अब ऑनलाइन होगा। मतलब इससे पहले 2 अटेम्प्ट से पहले ऑफलाइन ऑनलाइन ही होता था, बट अभी ऑफलाइन होने लगा था, फिर से ऑनलाइन होगा। 10+2 के बेसिस पे होगा, 1 घंटा मिलेगा आपको पेपर के लिए। निगेटिव मार्किंग होगी। एग्जामिनेशन फी की बात कर लेते हैं, देखो एग्जामिनेशन फी क्या है, 550 रुपये तो आपके लगने ही वाले हैं, प्लस 18% GST आपका लगेगा, ठीक है, लगभग 660 ऑलमोस्ट आपके 656 रुपीज़ आपके लगने वाले हैं इतना इस फॉर्म को फिल करने के लिए, नेवी SSR का फॉर्म फिल करने के लिए, और लगभग इतने ही रुपए आपको नेवी MR का फॉर्म फिल करने के लिए लगेंगे। अब दोनों भी फॉर्म फिल करने में, अब आपका सेकेंड स्टेज के लिए क्या है, अभी आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इसके लिए बिल्कुल मतलब इसके लिए आपको टाइम मिलेगा लगभग 1 से 1.5 महीने का। हाँ, जिनका रनिंग टाइमिंग 8 मिनट से ज्यादा है वो जरूर अभी से तैयारी कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल मेडिकल एग्जाम मेरिट लिस्ट हो चुका है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है वो भी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। रिटन एग्जामिनेशन PFT, इनिशियल मेडिकल एंड फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। स्टेज फर्स्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, उसके बाद आपका टाइम टेबल से सारी चीजें आपको इन्फॉर्म करती जाएंगी, किसमें क्या कितना क्या मार्क्स होता है, और बाकी फिर आप ऐसे ही आगे प्रोसेस चलता जाएगा। हाइट की अगर किसी को लेकर टैटू, बॉडी टैटू का लेके किसी का डाउट हो तो मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। परमानेंट बॉडी टैटू आर ओनली परमिटेड ऑन द इनर फेस ऑफ फोरआर्म। देखो किसी के बॉडी पे ये टैटू का होता क्या, मैं इसे बिना पढ़े ही ऐसे बता देता हूँ। देखो आपका ले लिया जाता है, बस ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, साइज छोटा हो और बॉडी के इनर पार्ट में हो तो फिर चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। बस उनका वो फोटो लेते हैं और उसका लाइक एक प्रिस्क्रिप्शन टाइप्स में बनवाकर आपके आपसे ले लेते हैं। विजुअल स्टैंडर्ड ये आई का यहाँ पे दे रखा है NNIB ने, विदाउट और विद ग्लासेस कितना क्या होता है। ट्रेनिंग के बारे में बात की गई, ट्रेनिंग आपसे कब होगा तो देख लीजिए यहाँ पे, मई 23 एट INS चिल्का उड़ीसा में। ट्रेनिंग फॉर द कोर्स विल कमेंस इन मई 23 एट INS चिल्का उड़ीसा। तो 2023 में आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है मई पे, तो कुछ ज्यादा टाइम नहीं है। अब मैं आपको बता दूँ, देखो दिसंबर चल रहा है, आपका अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन 7-8 दिन आपका फॉर्म फिलिंग लगने वाला है 17 दिसंबर, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हो, ये 17 दिसंबर लास्ट डेट दे रखी है। तो यहाँ पे अगर दिसंबर तो मान लो खत्म हो गया, दिसंबर में कुछ भी नहीं होगा, आप जनवरी पे मान लीजिए, जनवरी पे आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, जनवरी एंड पे, और फरवरी पे आपका एग्जाम, मार्च फिर सेकेंड एग्जाम, बस उसके बाद मेरिट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो बैच है ये मई पे स्टार्ट हो जाएगा, आपका ट्रेनिंग मई पे स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं, कॉल ऑफ लेटर्स कैसे क्या आएंगे, सारे के सारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। कॉल ऑफ लेटर्स कम एडमिट कर फॉर रिटन एग्जामिनेशन PFT वुड बी रिक्वायर्ड बी डाउनलोड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, नो कॉल ऑफ लेटर्स कम बी एडमिट, ठीक है, पोस्ट वगैरह थ्रू नहीं आएंगे, सिंपल सी चीजें सभी को पता होती है, ठीक है। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ड्यूरिंग ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन वो भी यहाँ पे देख लीजिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट में आपको मार्कशीट आपका चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे जो दे रखा है ना ये, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका कट ऑफ बनता है, क्योंकि नेवी पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का कट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट जाता है, तो यहाँ पे जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए आपको, जैसे कि मार्कशीट हो गया, डोमिसाइल हो गया, NCC सर्टिफिकेट हो गया, ओके। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे, और कुछ भी अगर गलतियां, ये डोमिसाइल में गलती मत करना भाई, अभी नहीं बना तो बनवा लीजिए, अभी आपका मतलब 5-6-7-8 दिन में बन जाएगा, तो फॉर्म फिलिंग अभी मतलब 4 दिन है इधर, 3 दिन इधर है, और आप 2-4 दिन आपको 5-6 दिन में भी कहता हूँ तो बन जाएगा, तो 12-13 तक फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इफ द डिटेल्स अगर आपने कुछ भी गलतियां की हैं तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और फिर आपको वहां से बाहर भी किया जा सकता है, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड टोटली आफ्टर 30 डेज, यहाँ पे इन्होंने आफ्टर 30 डेज बोला, जबकि कोस्ट गार्ड वगैरह पे या फिर कभी भी विद इन 30 डेज दे रखा रखता है, मतलब कि यहाँ पे 30 दिनों के बाद का बोला कि कभी भी आएगा, लेकिन मोस्टली होता है 30 विद इन 30 डेज होता है कि 30 दिनों के अंदर आ जाएगा। सेंट्रल इवैल्यूएशन ऑफ रिटर्न, ठीक है, इन्हें नेवी बताएगा सेंटर का कैसा होगा, वैसे आपका जब फॉर्म फिल करोगे तो उसमें सारी की सारी चीज़ें बताई जाएंगी, और आपके छोटे छोटे से डाउट आ रहे हो तो मुझसे कमेंट में आज कर लीजिएगा, वो चीज़ भी क्लियर कर दी जाएगी। बाकी मॉक लगाने की प्रैक्टिस करने के लिए ऑनलाइन लगाना हो तो परीक्षा एप्लीकेशन पर लगा लीजिए जाके, और अगर ऑफलाइन लगाना है तो आप, मैंने आपको बता दिया, ऑफलाइन जाके ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। बाकी थैंक यू वीडियो देखने के लिए, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।